टू बी वेरी ऑनेस्ट, शिफ्ट होने के कम एक साल तक मुझे कोई काम नहीं मिला. और मैं रहता था मीरा रोड, मतलब वो थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में पड़ जाता है. करेक्ट. है ना. और गाड़ी नहीं होती थी मेरे पास, तो मेरे को ट्रेन में धक्के खाने पड़ते थे, लोकल ट्रेन में. अच्छा. और लोकल ट्रेन एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप गलती से घुस गए तो घुस गए. राइट. वरना तो उतरने का मौका भी नहीं मिलता. एब्सोल्युटली. और कई कई बार तो मैं मतलब ऐसे लटकते हुए जाता था और ऊपर से प्रार्थना कर रहा होता था कि हाय भगवान, मेरी उंगलियों पे इतना जोर रखना कि ये छूटे ना. आमतौर पे जब शूटिंग के दौरान एक्टर्स बहुत बार ऐसी चीज़ें करते हैं कि जहाँ पर एक नॉर्मल इंसान को वो काम करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं. सो ऑल फॉरेनर्स, उनमें से किसी ने मुझे पहचान लिया. And she came to me and I said, "Are you Vansh from Uttran?" Really? I was like, मतलब all of a sudden, मतलब पूरी दुनिया में मैं ब्रसल में घूम रहा हूँ. Absolutely. अपनी holidays पे हूँ और यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे पहचान गए. Because उस समय मेरा वो show जो था dubbed version में उनकी country में चल रहा था. हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन शिराज खान शो में आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है. आज मैं मिलाने वाला हूँ एक बहुत ही खास मेहमान से जिनको आपने देखा था उत्तरण के वंश और शनि में शनि देव. और इन्होंने अपना करियर की शुरुआत मॉडलिंग में की थी और साउथ मूवी और पंजाबी मूवीज़ में तो उन्होंने अपने जलवे दिखाई दिए हैं. तो आइए आपकी मुलाकात कराता हूँ जो है इंडस्ट्री में जिनका नाम बहुत ही पुराना नाम है, उनका रोहित खुराना. राज मियां, क्या हालचाल है आपके? गुड टू सी यू मैन. सेम हियर. सो फाइनली रोहित खुराना, हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड ब्रदर, हाउ आर यू? यू लुकिंग फैंटैबुलस इन फैक्ट. थैंक यू सो मच. रोहित खुराना को आज से पहले सबने एज एन एक्टर तो देखा है, मगर उनकी जो पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई कुछ इंटरेस्टिंग और चटपटी चीजें हैं आज वो जान लेते हैं. रोहित, ये बताएं आपका बचपन कहाँ गुजरा है और एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा है आपका? तो मेरी जो पैदाइश है वो एक हरियाणा के एक बहुत ही छोटे से गांव जिसका नाम है कैथल. कैथल. हाँ, वहाँ पे हुई थी. इनफैक्ट काफ़ी सारे रिनोन्ड राइटर्स, क्रिएटिव फील्ड के जो भी लोग हैं ना, मैं काफ़ी बार जब सुनता हूँ या अपने बारे में बताता हूँ कि मैं कैथल से हूँ, तो मेरे को काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक मिलता है कि अरे कैथल से तुम्हारे ये भी हैं, कैथल से तो ये भी हैं. तो बहुत सारे लोग जो हैं क्रिएटिव फील्ड से जो थे वो, उन सब का नाम मुझे वहाँ से सुनने को मिलता था. राइट. अब रही बात एजुकेशन की, तो ज़्यादा वक्त नहीं बिताया मैंने कैथल के अंदर. वहाँ से हम लोग शिफ्ट हो गए थे दिल्ली में. यहाँ पर तो स्कूलिंग और कॉलेज जो है मैंने यहीं पे किया. दिल्ली यूनिवर्सिटी. दिल्ली यूनिवर्सिटी में भगत सिंह में पढ़ता था. ओके. और कॉलेज यहाँ पे कंप्लीट किया और कॉलेज के साथ साथ ही जो है मॉडलिंग का चस्का लग गया था मुझे. अच्छा. फैमिली में और कौन कौन है आपके? फैमिली में मॉम, डैड, सिस्टर. ओके. नाउ आई एम मैरिड, आई हैव गॉट टू किड्स. फाइनली रोहित खुराना ने ये बात रिवील कर दी है यहाँ पर, क्योंकि ये पहले नहीं करते थे. ये भी मैं आपको बहुत जल्दी आगे बताने वाला हूँ, सुनते रहिए. स्कूल टाइम में मतलब रोहित खुराना कैसे थे, मतलब कौन सी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट लिया करते थे आप? ऑब्वियसली आप बचपने में मॉडलिंग से तो आपने नहीं शुरुआत की है. सो बेसिकली स्कूल टाइम में तो क्या होता था ना, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में मैं हमेशा अपने आप को पार्टिसिपेट करता था, चाहे वो फुटबॉल हो, क्रिकेट हो. सो आई एम अ लेफ्ट हैंडर और मैं फास्ट बॉलिंग किया करता था अपनी टीम की तरफ से. ओके. तो स्पोर्ट्स का तो हमेशा से शुरू से ही शौक था. बहुत ही एडवेंचरस काइंड ऑफ अ पर्सन हूँ मैं. बट ये है कि हाँ, मतलब बचपन से लेकर आज तक अभी भी मैं ये कहूँगा कि मैं आई एम अ वेरी शाय गाय, मतलब आई एम वेरी रिजर्व. मैं लोगों से ज़्यादा मिलता जुलता नहीं हूँ और कभी कभी इस क्वालिटी को जब लोग देखते हैं तो लोग सोचते हैं कि शायद मैं बहुत ही स्टबन हूँ, बहुत एरोगेंट हूँ. एब्सोल्युटली. यू नो, बट मैं उस तरह का बिल्कुल भी इंसान नहीं हूँ. बट हाँ, जिसका मैं दोस्त बन जाता हूँ, जिनको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, करेक्ट, उनके साथ मैं पूरे दिल से मिलता हूँ.
कॉलेज में या फिर स्कूल टाइम में गर्लफ्रेंड कभी बनाई? गर्लफ्रेंड तो मेरी आठवीं क्लास से थी। आठवीं क्लास से थी मतलब ये वही तो नहीं है जिससे तेरे साथ आज तक हो आप? नहीं, वो थी, वो इलेवेंथ में मिली थी। अच्छा, वो इलेवेंथ में। मेरी मुलाकात जो मेरी वाइफ से हुई थी स्कूल में ही, इलेवेंथ क्लास में हुई थी और आज तक साथ में दोनों। फिर मॉडलिंग की आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई, फिर कहाँ कैसा रहा सफ़र? क्योंकि उस दौर में, उस टाइम में हर बच्चा चाहता था मैं मॉडल बन जाऊँ, मगर मॉडलिंग कभी भी एज अ करियर नहीं चूज़ किया जाता, आज भी नहीं किया जाता इनफैक्ट। और आपको पता है कि उसमें कोई ऐसा आपको स्टेबिलिटी भी नहीं नज़र आती है, राइट? तो फिर आपने क्या डिसाइड किया? मतलब सो ऐसा था बेसिकली, मेरे डैड का बिजनेस हुआ करता था वो दुबई में, सो आधे से ज़्यादा टाइम तो वो वहीं रहते थे, तो हमारे पास वो NRI वीज़ा होता था, तो साल में हमारे लिए भी दो साल, मतलब साल में दो बार कंपल्सरी होता था कि हर छः महीने के बाद यू हैव टू गो एंड विजिट, तो हमारा सारा समर वेकेशन वहीं बीतता था। लेकिन फिर ये सोचा कि काम क्या किया जाए, कि ऐसा क्या करें कि मतलब जिससे कि जो जिस तरह का मैंने सोचा है वो किया जाए। फिर ख्याल आया कि अब चांस की बात थी कि एक्चुअली मेरे डैड ने एक प्रॉपर्टी जो है वो इन्वेस्ट कर रखी थी मुंबई में, तो जब उन्हें पता चला कि इसका शौक़ है मॉडलिंग फील्ड में, तो मॉडलिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है एक्टिंग। बिकॉज मॉडलिंग में मॉडल्स भी बहुत तरह के होते हैं, सम आर रैम मॉडल्स, सम आर प्रिंट, जो प्रिंट में काम करते हैं, और कुछ एड्स में काम करते हैं। बट मैंने सोचा था कि मुझे सारी ज़िंदगी मॉडल नहीं रहना, सो आई वॉन्टेड टू एक्ट। और वो एक्टिंग का भी कीड़ा ऐसा लगा मेरे उसके अंदर, एक फिल्म आई थी जिसका नाम था मैंने प्यार किया। अच्छा, बहुत बड़ी हिट हो गई थी वो फिल्म, और इतनी बड़ी हिट हुई कि फाइनली हमारे घर वालों ने सोचा कि चलो उस फिल्म को देखा जाए। तो जब उसके गाने आते थे, प्रोमोज आते थे, तो मेरे जो रिश्तेदार हैं वो कहते थे कि यार इस लड़के की ना आँखें मिलती हैं रोहित से, सलमान खान की तो घर वाले जब बोलते थे कि यार आंखें मिलती हैं, थोड़ी रिजेम्बलेंस है, सुन के अच्छा लगता था। बट फिर जब वो घर वाले देख के आए, उन्होंने कहा कि यार रिजेम्बलेंस काफ़ी सारी है, तो उसके बाद फिर मैं देखने गया फिल्म, तो मुझे ज़्यादा इतना लगा नहीं। मैंने कहा नहीं, इतना भी कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस है। बट फिर क्या हुआ, स्कूल में जब वो पिक्चर इतनी बड़ी हिट हो गई, तो स्कूल में मेरे जितने भी क्लासमेट्स थे उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, कह रहे यू लुक लाइक सलमान। स्पेशली ज़्यादातर ऐसा तो यही होता था कि लड़कियों को लगता था, बिकॉज लड़के इतना ध्यान नहीं देते, right? तो लड़कियां जो है ध्यान देती थी कि अरे दिस गाय लुक्स लाइक दैट गाय, तो वहां से शुरुआत हुई। कभी डैड ने ऐसा नहीं बोला कि नहीं रोहित तुम्हें एज एन एक्टर नहीं काम करना, या फिर तुम पढ़ाई को और आगे लेके जाओ, जॉब करो, इस तरीके का भी प्रेशर नहीं रहा? नहीं, मतलब एक्चुअली मेरी मॉम बोलती थी कि यार पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब तो उनको ये होता था कि पढ़ाई अपनी पूरी करो। तो जैसे मैं भी जब मुंबई गया था, तो मैं अपना पूरी स्कूलिंग, पूरा कॉलेज ख़त्म करके गया था, तो मैंने कहा कि मैं स्टडी अपनी पूरी करूँगा, right? और मैंने BCom पास किया, उसके बाद फिर मुंबई गया, और फिर वहाँ से वो स्ट्रगल चालू हुई। लेकिन हाँ, माँ बाप ने कभी ऐसे, डैड ने भी कभी ऐसा नहीं कहा कि आपको सिर्फ यही करना है या ये नहीं करना। बट हाँ, उससे पहले भी ऐसा नहीं है कि यही सबसे पहला ख्याल आया था कि मुझे एक्टर ही बनना है, right? जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यू नो आई एम अ वेरी एडवेंचरस काइंड ऑफ गाय, तो मेरे मन में ही होता था कि ऐसा क्या काम किया जाए कि जिससे कि मैं ट्रैवल भी कर सकूं और दुनिया देख सकूं। तो कभी सोचा कि यार पायलट बन जाता हूँ, जहाज़ पूरी दुनिया में जहाज़ उड़ाएंगे, right? और पूरी दुनिया देखेंगे, नए लोगों से मिलेंगे, नए लोगों से एडवेंचर होगा। हाँ, फिर कभी कभी मन में आया कि यार चलो मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर लेते हैं, उसमें भी एक अलग है कि हाँ चलो यू नो यू आर गेटिंग इन टू अ डिफरेंट पोर्ट एवरी टाइम, एब्सोल्युटली, तो आप वहाँ के नज़ारे देखते हो, लोगों से मिलते हो, दुनिया देखते हो। बट फिर मुझे ऐसा लगा कि यार ये फील्ड एक ऐसा है कि जहाँ पर आम तौर पे जब शूटिंग के दौरान एक्टर्स बहुत बार ऐसी चीज़ें करते हैं कि जहाँ पर एक नॉर्मल इंसान को वो काम करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। एब्सोल्युटली, जैसे कि सपोज़ मैं उत्तरण का इंसिडेंट दे देता हूँ आपको, कि हमारा एक
प्यार करने वाला मेरा इजहार वाला एक शॉट था जहाँ पर प्रॉपर एक चॉपर को हायर किया गया था और फिल्म सिटी में उस चॉपर का दरवाज़ा निकाल दिया गया था और मेरी एक टांग बाहर थी और एक अंदर, और मैं हेलीकॉप्टर के वो पूरे फिल्म सिटी के ऊपर चक्कर मार रहा था और फूल बरसा रहा था। रियल लाइफ में ये रियल लाइफ में आप नहीं कर सकते, कहाँ कर सकते, ऑब्वियसली नॉट। अगर आप करने चाहोगे तो यू विल हैव टू स्पेंड इट, राइट। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर आपको वो सब मौके मिलते हैं करने के लिए जहाँ नॉर्मल लाइफ में नहीं कर पाते, नहीं करते आप। आपने मॉडलिंग से जब एक्टिंग में स्विच किया तो वो जो पहला आपको ब्रेक मिला, बड़ा ब्रेक मिला जिससे पूरी कहते ना इंडिया लेवल पे आप फेमस हुए थे, आपको लोग जान गए थे, वो बहुत बड़ा हिट सीरियल था वो अपने दौर का, वो कैसे आपको मिला? मतलब कहीं कास्टिंग काउच या इस तरीके की चीज़ें, क्यों इंडस्ट्री इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस भी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, शिफ्ट होने के कम से कम एक साल तक मुझे कोई काम नहीं मिला, कोई काम। और मैं रहता था मीरा रोड, मतलब वो थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में पड़ जाता है, करेक्ट, है ना। और गाड़ी नहीं होती थी मेरे पास, तो मेरे को ट्रेन में धक्के खाने पड़ते थे, लोकल ट्रेन में। अच्छा। और लोकल ट्रेन एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप गलती से घुस गए तो घुस गए, राइट, वरना तो उतरने का मौका भी नहीं मिलता। एब्सोल्युटली। और कई कई बार तो मैं मतलब ऐसे लटकते हुए जाता था और ऊपर से प्रार्थना कर रहा होता था कि हाय भगवान मेरी उंगलियों पे इतना जोर रखना कि ये छूटे ना। अच्छा। बिल्कुल, क्योंकि सुबह के टाइम यहाँ से जब आप मीरा रोड से टाउन की तरफ जाओ तो पीक पे होता है, आई मीन यू डोंट इवन गेट अ चांस टू स्टैंड इनसाइड द ट्रेन। तो आप क्या बाहर लटक के जाते? बाहर मैं कितनी बार बाहर लटका हूँ, और ये तो बहुत रिस्की, बहुत रिस्की, बहुत रिस्की है। थैंक गॉड ऊपर वाले ने वो बहुत जल्द जो मीरा रोड का जो जो जगह है वो छुड़वा दी उससे। कहने का मतलब ये है कि उस कंडीशन में आप, और सोचो हमारे ऑडिशन हुआ करते थे महालक्ष्मी में जाकर, राइट, तो आप यू ओनली वेट फॉर मैसेजेस या कॉल्स कि आज यहाँ ऑडिशन है चले जाओ। आप तैयार होके लोकल ट्रेन में घुसते हो, आपके बाल बिखर गए, शर्ट की क्रीज खराब हो गई, आप पहुँचते हो एक्साइटेड एकदम कि यस अब आज मैं आ गया हूँ और आज मैं कुछ करके जाऊँगा, और जैसे ही वो दरवाज़ा खुलता है और सीधा एक शक्ल आती है और वो बोलती है कि यू डोंट फिट द बिल। शॉर्टलिस्टेड और नॉट? हाँ, यू आर यू शॉर्टलिस्टेड? राइट। नो, ओके, यू डोंट फिट द बिल सर, यू आर टू यंग फॉर द रोल। तो ये कितना डिसअपॉइंटमेंट होता है ये सब सुन के कि आप जब इतनी लंबी जर्नी करके इतना बड़ा रिस्क लेके आप ऑडिशन के लिए पहुँचते हैं, वहाँ जाके आपको सबसे पहले ही सवाल में ये हो जाता है कि आप यू आर फिट और यू आर अनफिट? अनफिट। हाँ, तो जैसे मैं वही बता रहा हूँ ना, जैसे मैं एक दिन दो जगह पर ऑडिशन करने गया तो पहले ने बोला कि यू डोंट फिट द बिल, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, होगा शायद कुछ, कोई बात नहीं, मायूस क्या होना, दूसरे ऑडिशन पे चलते हैं। तो अगेन मैं पूरा एक्साइटेड दूसरे ऑडिशन पे गया तो उन्होंने कहा कि यू आर टू ओल्ड फॉर दिस रोल। पहले वाले ने बोला यू आर टू यंग फॉर दिस रोल, दूसरे ने वाले ने बोला यू आर टू ओल्ड फॉर दिस रोल। तो उसके बाद मैं कश्मकश में पड़ गया कि मैं यंग हूँ या ओल्ड हूँ या बीच में हूँ या मैं किस कैटेगरी में बिलोंग करता हूँ। एब्सोल्युटली। शुरुआत छोटे छोटे रोल से करते करते उतरन तक आया, और उतरन से पहले भी मैं काफ़ी लगा रहा कि कुछ मेरे को लीड करना है, कुछ मुझे बड़ा करना है, कुछ हो नहीं रहा। मैं उस समय भी एक मायूस से दौर से गुजर रहा था, और उस चक्कर में क्या किया, फिर मैंने शेव करना बंद कर दिया और थोड़े बाल बढ़ा लिए, और उतरन का कॉल आया, उतरन के कॉल में मैं ऑडिशन देने गया और उनको लोगों को वो लुक पसंद आ गया, तो मेरे से उन्होंने कहा कि दो रोल हैं, एक वीर, पहले एक्चुअली ऑडिशन मैंने वीर के रोल के लिए दिया था, ओके, तो उन्होंने कह दिया था ओके वी वांट यू कि आप हम वीर का रोल प्ले करें, बट फिर मुझे सुनाई दिया कहीं से कि उसका एक बड़ा भाई है वंश जो कि एक ड्रग एडिक्ट है जिसके बहुत सारे शेड्स हैं, राइट। जब मैंने वो सुना तो फिर मैंने उनको मना कर दिया, मैंने कहा मैं वीर नहीं करूँगा, मैं वंश करूँगा, अगर आपको चाहिए तो आप बता दीजिए, वरना मैं वीर नहीं, मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग इट। बट वो ऐसा क्यों, मतलब क्योंकि वो भी एक लीड कैरेक्टर है। हाँ, वो भी लीड था, बट मुझे ऐसा लगा कि वीर इज जस्ट अ नेक्स्ट बॉय डोर, ओके, कि मतलब वो एक नॉर्मल लड़का है, वो कोई भी हो सकता है, राइट। उसमें मतलब मुझे इतना वो नहीं दिख रहा था कि मैं कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालूंगा उस किरदार के अंदर या कुछ,
बट जैसे ही मैंने वो वंश का किरदार सुना, मैंने कहा इसमें तो बहुत कुछ है खेलने के लिए, बहुत सारे शेड्स हैं, ड्रग एडिक्ट है और मतलब वो लुक अपेयरेंस अलग है। और वो क्लिक इसलिए कर गया बिकॉज उस समय जो दौरान था ना, वो दौरान था क्लीन बॉयज, क्लीन शेवन बॉयज, चॉकलेटी बॉयज जैसे हमारे मुंबई में बोलते हैं, वी आर लुकिंग फॉर अ चॉकलेट बॉय काइंड ऑफ थिंग। तो उस समय जब मैं वो उस फुल ग्रोन बियर्ड और लंबे बाल में आया, तो वो एकदम से टेलीविजन के ऊपर ऐसा एकदम अलग और नयापन ऑडियंस को लगा। और वो पसंद आ गया और लिखा बहुत अच्छा था, काम करने में बड़ा मज़ा आया और मैं दूसरे दिन ही फेमस हो गया था। नहीं, बट मुझे एक और सवाल पूछना था कि ये बहुत बड़ा रिस्क नहीं लिया था आपने कि जब आप सेलेक्ट हुए एज अ वीर और आप पहली बार आपको ब्रेक मिल रहा है एज अ लीड और आप उसको मना कर रहे हो, अगर वो वहाँ पर आपको वाकई में नहीं तो क्या होता? तो आज रोहित खुराना जिसे लोग बहुत फेमस वंश के कैरेक्टर में पहचानते हैं, हाँ, तो फिर क्या होता आपके करियर को लेके, शायद आप यहाँ तक नहीं पहुँचते या फिर इससे ही बेहतर होता? मेरा एक चीज़ मानना है, जो आपकी किस्मत में लिखा है ना, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। करेक्ट, वो किसी ना किसी वे में आपको मिलेगी ही मिलेगी। और जो चीज़ आपकी किस्मत में नहीं लिखी, आप जितने मर्जी हाथ पैर दौड़वा लो उसके लिए, वो आपसे उतनी ही दूर होती चली दूर होती जाएगी। उत्तरण का तो आपका फेम ऐसा था कि लोगों ने आपको बहुत पसंद किया, इनफैक्ट इंडिया ही नहीं इंटरनेशनली भी आपका शो बहुत हिट हुआ। और रातों रात ऐसा हो गया कि आप सेलिब्रिटी की उसमें, कभी सोचा नहीं था मैंने एक्चुअली। मैंने उस समय यही लगता था कि हमारा शो तो सिर्फ इंडिया में चलेगा, उस तरफ ख्याल ही नहीं गया कि मैं कभी इंटरनेशनल भी बहुत फेमस हो जाऊँगा। लेकिन अभी लास्ट ट्रिप में 4 साल पहले, मतलब अभी दो ढाई साल तो ये कोरोना का होने वाले हैं, उससे पहले आई हैड गॉन टू यूरोप। तो वहाँ मैं ब्रसल्स में था अपनी फैमिली के साथ, माय वाइफ वाज शॉपिंग इनसाइड, मैं बाहर खड़ा हुआ था और इतने में एक ग्रुप ऑफ फ्यू गर्ल्स, एंड माइंड यू ऑल फॉरेनर्स, अच्छा, मतलब सब जैसे जो हमारे इंडिया में बोलते हैं गोरे लोग, हाँ, सो ऑल फॉरेनर्स, उनमें से किसी ने मुझे पहचान लिया एंड शी केम टू मी एंड आई सेड आर यू वंश फ्रॉम उत्तरन? रियली आई वाज लाइक, मतलब ऑल ऑफ अ सडन, मतलब पूरी दुनिया में मैं ब्रसल में घूम रहा हूँ, एब्सोल्युटली अपनी हॉलीडेज पे हूँ और यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे पहचान गए, बिकॉज उस समय मेरा वो शो जो था डब्ड वर्जन में उनकी कंट्री में चल रहा था। वाओ, सो मींस आप इंटरनेशनली भी बहुत फेमस हुए। और उत्तरन के फेम का आपको कितना एडवांटेज मिला, लाइक उसके बाद आपकी जो जर्नी रही थ्रू आउट आपका करियर रहा, बहुत अप्स एंड डाउन्स बहुत देखे हैं मैंने जहाँ तक मैंने आपकी जर्नी को स्टडी किया, हाँ, तो उसके पीछे रीज़न क्या था जब आपको इतना बड़ा फेम मिल गया, इतना बड़ा शो मिला, उसके बाद एकदम आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन में रही? मैं थोड़ा चूजी हूँ काम को लेकर, मतलब मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे जो भी दिया जाएगा वो मैं करूँगा ही करूँगा। तो मुझे जब तक कुछ एक्साइट नहीं करता मैं प्रोजेक्ट लेता नहीं। समटाइम्स वो मेरे फेवर में काम करता है, कभी कभी शायद जो मैं सोचता हूँ कि शायद ये ऑडियंस को पसंद आएगा, कभी कभी वो पसंद नहीं भी आता। बट मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे कि सबसे पहले मुझे मज़ा आए काम करने में, क्योंकि जब मुझे काम करने में मज़ा आएगा तो जो ऑडियंस होगी उन्हें देखने में मज़ा आएगा। करेक्ट, तो कोशिश यही रहती है। और एक्टर की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो लगे ही रहते हैं। आपको अपनी किस्म के रोल मिलना वो थोड़ा टफ होता है, यू नो, बिकॉज ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो आप चाहोगे वो आपको हमेशा मिलता रहे, ऐसा नहीं हो सकता। तो एक कंसिस्टेंसी को बनाने रखने में थोड़ा सा वक्त लगता है, बट अभी वो दौर और था और अब दौर और है। नहीं, अब वेब सीरीज़ का दौर है। हाँ, उसके बाद आपने बहुत सारी पंजाबी और साउथ इंडियन मूवीज़ भी हमने देखा की। हाँ, मैंने 4 फिल्में साउथ में की हैं, 2 पंजाबी फिल्म्स की हैं। हाथ तो मैंने हर जगह मारा है, सब जगह ट्राई मार रहे हैं। और बट हाँ, ये है कि अब जो है ना वक्त अलग है, स्पेशली आफ्टर दिस कोरोना पेंडेमिक थिंग, नाउ टाइम हैज चेंज्ड। बीच में सिनेमा हॉल्स बंद हो गए थे,
जितनी पिक्चर्स, जितनी वेब सीरीज़, जितने बड़े बड़े एक्टर्स, वो सब वेब सीरीज़ में आ गए हैं अब। राइट, तो अभी अब ज़माना है वेब सीरीज़ का। अभी आपकी हाल फिलहाल में कुछ वेब सीरीज़ रिलीज़ भी हुई हैं? अभी सोनी लिव पर टब्बर रिलीज़ हुई है। राइट, जिसे बहुत ज़्यादा पसंद किया गया है। थोड़ा सा डार्क है बट ऑडियंस को बहुत मज़ा आ रहा है बिकॉज पंजाबी टच है थोड़ा सा उसके अंदर, और लेकिन ऑडियंस को स्टोरी हट के है, ऑडियंस को पसंद आ रही है वो चीज़। और अभी फ़िलहाल ऑलमोस्ट लाइक मेरे पास 4 वेब सीरीज़ और हैं। वाह, लाइंड अप, क्या बात है। जिसकी शूटिंग के लिए मैं दिल्ली आया हूँ। राइट, और एक है ब्रीद 3 राइट कर रहा हूँ, उसके बाद एक अनटाइटल्ड है नेटफ्लिक्स की, वो उसकी भी शूटिंग चालू है, फिर एक शुक्ला वर्सेस त्रिपाठी जो उल्लू पे आने वाली है, एब्सोल्युटली वो भी है, और एक और अनटाइटल्ड है जो नेक्स्ट ईयर जान में शुरू होगी। आपकी जब शादी हुई थी वो किस दौर में हुई थी? एक्चुअली ये उतरन से पहले की बात है और बॉम्बे जाने से पहले की बात है? या जब आप बॉम्बे शिफ्ट हुए तो उससे पहले आपकी शादी हो चुकी थी? करेक्ट करेक्ट, राइट। और आपने अपनी शादी को रिवील नहीं किया अपने नेक्स्ट, आपका जब बेटा हुआ और वो उसकी भी एज इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो 10 या 12 11 साल का था, तब तक आपने अपनी शादी को रिवील नहीं किया और इनफैक्ट अपने बेटे को भी रिवील नहीं होने दिया, इसके पीछे क्या रीज़न था? एक्चुअली कोई रीज़न नहीं था। शादी में मेरी जल्दी हो गई थी बिकॉज मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ, तब भी करता था, अब भी करता हूँ, आगे भी करूँगा। स्कूल टाइम का अफेयर था। हाँ, एब्सोल्युटली। तो बस एक दिन उसने बोला कि यू नो माय पेरेंट्स आर लुकिंग फॉर अ बॉय, तो मैंने कहा शादी तो तेरे से ही करनी है चाहे जो भी हो जाए। मतलब DDLG के अब तो शाहरुख खान भी शादी तो तेरी हमसे ही होने वाली है। तो उसके माँ बाप जल्दी में थे, तो लेकिन मैं तब सेटल भी नहीं था। करेक्ट, यू नो आई हैड जस्ट स्टार्टेड माय करियर, आई वाज स्ट्रगलिंग, बट हाँ ये है कि शादी हो गई। लेकिन मैंने कभी ऐसा ये नहीं सोचा कि मैं कल को अगर थोड़ा नाम हो जाएगा, फेमस हो जाऊंगा तो मैं अपनी शादी को छुपाऊंगा। मैं फिर भी आपने छुपाया? नहीं नहीं, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ आपको। तो जहाँ भी मैं काम करता था, चाहे वो उतरन का सेट हो, डोर का हो, खूबसूरत का हो, या पहले भी कितने करे हैं, मेरी वाइफ हमेशा सेट पे आई है। मेरी सारी एक्टर्स को सबको पता है कि आई एम मैरिड। इनफैक्ट जब मैं पहली फिल्म करने गया था US, संगमम तेलुगु फिल्म थी, तो उसमें जो मेरा 45 डेज का शेड्यूल था US पे, तो मैंने अपनी हीरोइन को बोला था, मैंने कहा आई एम मैरिड एंड आई एम गॉट ट्विंस। तो शी वॉज वेरी एक्साइटेड, क्या नाम रखा है आपने उनका? मैंने कहा लव एंड कुश, बोथ ऑफ बॉयज। तो उस समय मेरे कोई बच्चे नहीं थे, राइट, बट हाँ जैसे वही मैं कह रहा हूँ कि मैंने कभी छुपाया नहीं। अब हाँ, अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि मैं अपने माथे पे लिख के चलूं कि भाई मैं शादीशुदा हूँ। बट बीइंग एन एक्टर, उनकी जो पर्सनल लाइफ होती है वो रिवील रहती है मीडिया के सामने। आपने मीडिया ने कभी मेरे से सवाल पूछा नहीं, मीडिया ने आज तक मुझसे कभी सवाल नहीं पूछा कि आप शादीशुदा हो नहीं हो। मैं एक आम कपल की तरह मैं मॉल भी जाता था, मैं फिल्म देखने भी जाता था, मैं ग्रोसरी शॉपिंग करने भी जाता था और अपनी वाइफ के साथ ही जाता था। और आपकी ये भी स्टोरी और ये जो बात थी ये भी एक मीडिया वाले ने ही पूरे हाईलाइट की थी, उन्होंने कि उनको आपने कहीं पे देखा। और ये एक्चुअली हुआ क्या था कि जब क्या होता है ना, जब आप किसी की न्यूज़ आपके पास नहीं होती और वो कोई थर्ड पर्सन वो मीडिया को न्यूज़ दे दे, राइट, तो मीडिया को ऐसा लगता है कि अरे ये बात हमें कैसे नहीं पता, एब्सोल्युटली, या ये बात इन्होंने कैसे छुपाई, अरे कोई पूछेगा तो मैं बताऊंगा नहीं क्या, right। तो ऐसे ही मेरे पास अगले दिन फ़ोन आया कि अरे हमें पता चला आप शादीशुदा हो, आपका बेटा है। मैंने कहा यस वो तो है। मैंने कहा इसमें नया क्या है? कह रहे लेकिन हमें तो किसी ने बताया नहीं। मैंने कहा आपने मुझसे पूछा नहीं, right। कहने आप पूछ रहे हो तो मैंने कहा मैं आपको कन्फर्म कर रहा हूँ, यस आई एम मैरिड, आई हैव अ किड। और नेक्स्ट डे वो पूरा वो
और उस दिन तो आर्टिकल भी इतना बड़ा आर्टिकल आया था. राइट, एब्सोल्युटली. आई हैव सीन दैट आर्टिकल के रोहित खराना इज मैरिड. या मैं पूछना चाहूंगा कि आप जो यूथ है, ये जन आज की जो जनरेशन है, वो इस इंडस्ट्री में आने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है. आप देख रहे हैं क्योंकि टिकटॉक और ऐसी बहुत सारी ऐप्स हैं जिनके थ्रू उनका करियर बन रहा है. तो आपको क्या लगता है कि कितना आसान है, या उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या इज देयर एनी शॉर्टकट टू बीइंग पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री? यार सीधी सी बात है, मतलब ये तो एक बहुत ही फेमस लाइन है, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस. एब्सोल्युटली, है ना. मतलब वो तो भूल ही जाओ, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी. लेकिन हाँ, अब ये है कि जिनको इस फील्ड में आना, तो अगर आपने अपना माइंड बना लिया है तो फिर कुछ चीज़ों पे वर्कआउट करो. राइट. जैसे अपनी पर्सनालिटी पे वर्कआउट करो, अपनी फिजिकल एक्टिविटी बॉडी पे वर्कआउट करो. या आपको लगता है कि आप डांसिंग में अच्छे हो तो डांसिंग को और इम्प्रूव करो, या कोई मार्शल आर्ट्स में है या किसी चीज़ में है उस पर फोकस करो, प्लस साथ में एक्टिंग कोर्स करो. करेक्ट. अपने आप को प्रिपेयर करते रहो, अपने आप को रवा करते रहो कि जब मौका मिले और जब सामने से कोई अपॉर्चुनिटी आए, तो अगर कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है तो दरवाज़ा खोलो और घुस जाओ. लेट्स प्ले रैपिड फायर विद रोहित खुराना. ओके रोहित, व्हाट आर यू पैशनेट अबाउट? पैशनेट अबाउट माय वर्क. आई एम वेरी पैशनेट अबाउट बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. What are your greatest strength and weakness? My greatest strength and weakness is my family. Who is a superhero and why? Dad. मुझे ऐसा लगता है कि हर बेटे का जो पहला सुपर हीरो होता है वो डैड ही होता है. Love marriage or arranged marriage? Love marriage. Okay. Do you believe in love at first sight? Actually ये बातें जो है ना अब नहीं लगता, बचपन में लगा करता. ओके. अब ऐसा लगता है कि नहीं, बट होता भी है, उस उम्र में होता है. उस उम्र में होता है, इस उम्र में नहीं होता. डार्क चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट? नो, आई लाइक मिल्क चॉकलेट. ओके. आर विमेन कॉम्प्लिकेटेड? टू कॉम्प्लिकेटेड. टेक्स्टिंग और टॉकिंग? टॉकिंग. ओके. टेक्स्टिंग इज वेरी बोरिंग. आई डोंट लाइक टू टेक्स्ट. Okay, scale yourself from 1 to 10. How good are you at keeping secrets? Oh, I'm very good. If not 10, 9. 9. Yeah, I'm a scorpion. Scorpions are very secretive. Wo kabhi bhi kisi ki bhi baat idhar udhar nahi karte. Correct. Aur main bhi waisa nahi. Do you snore? Yes, I guess sometimes. But because I'll tell you the reason. I don't snore every night. Right. Suppose if I'm shooting the whole day, I'm extremely exhausted or मैं बहुत tired हूँ, body एकदम टूटी पड़ी है, तो उस दिन मैं snore, मुझे नहीं पता चलता, but yeah, sometimes मेरी wife की actually complaint ही यही है कि you snore. बंदा घर से बाहर गया है, काम करके आया, थका हालत में घर आता है. मुझे भी मालूम है ये तो. हाँ, but no, I don't do it every day. Okay. Which place you want to travel? See, देखो almost 20-25 countries तो मैं घूम चुका हूँ, but हाँ, अगर मैं आप मुझसे पूछोगे और जो रह चुकी हैं उनमें कहाँ, so उसमें आता है स्पेन, स्विट्ज़रलैंड, इटली, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस. ओके. हाउ डू यू स्टार्ट योर डे? सुबह उठता हूँ, ऊपर वाले का नाम लेता हूँ. अगर शूटिंग होती है, काम पे जाना होता है, तो जस्ट गेट रेडी, हैव माय हॉट कॉफ़ी और मैं निकल जाता हूँ. आई डोंट इवन डू माय ब्रेकफास्ट एट होम. बट हाँ, जब छुट्टी होती है देन आई मीन लिटिल मोर रिलैक्स्ड मोड में होता हूँ. फिर थोड़ी जो स्पीड अप वाली चीज़ें होती हैं वो थोड़ा सा स्लो हो जाती हैं. बट या सनराइज और सनसेट? एक्चुअली बोथ. मैं बहुत रोमांटिक हूँ, लेकिन शो नहीं करता किसी को. बट सनसेट्स एंड सनराइज मुझे दोनों पसंद है. सनराइज तब पसंद है जब मैं अर्ली मॉर्निंग शूट पे निकलता हूँ, तो जब सुबह सुबह सूरज उग रहा होता है तो वो बहुत अच्छा लगता है. करेक्ट. और जिस दिन मैं काम नहीं कर रहा होता तो उसमें, और अगर मैं यू नो इफ आई
नेक्स्ट टू द बीच मे बी लाइक सपोज इफ आई एम इन गोवा वहाँ पे सनसेट जब देखता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है. करेक्ट. व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू नोटिस अबाउट समवन व्हेन यू मीट देम? आईज. ओके. मुझे ऐसा लगता है कि आंखें जो है ना वो बता देती है कि आप किस तरह के इंसान. टेल मी वन सीक्रेट विच यू हैव नॉट शेयर्ड विद एनीवन. Why should I share it with you? Okay. Do you consider yourself as a boring or a fun person? I am a little boring. Jaise maine kaha na, I am a little reserved, a little shy. Kam baat karta hoon. To agar koi naya insaan pehli baar aise mujhe mil jaye to wo boring ho jayega. If you could switch your life with any celebrity for a day, who would it be? अमिताभ बच्चन. ओके. इफ यू गेट अ चांस टू टॉक टू पीएम, व्हाट वुड यू टॉक अबाउट? तो मैं ये चाहूँगा कि अगर मुझे कभी मौका मिले एक दिन उनके साथ वक्त बिताने का, तो मैं उनसे कहूँगा कि एक दिन वक्त मेरे साथ बिताइए, थोड़ा सा ठहर जाइए, उस लम्हे को महसूस करते हैं, एक आम दो दोस्तों की तरह, या एक मतलब है तो मुझसे बहुत बड़े हो बट मे बी एज अ टीचर एंड अ स्टूडेंट उनसे कुछ सीखने की कोशिश करूँगा. करेक्ट. और उनको ये बताना चाहूँगा कि इतना काम करते हो कि अगर एक दिन छुट्टी लेके थोड़ा सा रिलैक्स भी कर लोगे क्या तो कोई हर्ज नहीं है. सो काइंड ऑफ यू. इफ यू वर अ बिलियनियर, व्हाट वुड यू बाय? बाय एक्चुअली उस अगर जब मैं अगर बिलियनियर बन जाऊँगा तो फिर मैं अपने लिए नहीं खरीदूँगा, फिर मैं दुनिया के लिए खरीदूंगा. दुनिया के इन द सेंस उन लोगों के लिए जो आम लोग नहीं खरीद पाते. करेक्ट. जो जैसे कि आज मैं सपना देखता हूँ कि यू नो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यॉट हो, मैं चाहता हूँ कि मेरा खुद का प्राइवेट जेट हो, जैसे आज मैं सपने देख रहा हूँ. करेक्ट. वैसे दुनिया में कितने सारे लोग हैं जिनके सपने भी छोटे छोटे होते हैं. एब्सोल्युटली. उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं वो छोटे सपने भी पूरे होंगे कि नहीं होंगे. राइट. तो मैं उनके लिए खरीदना चाहूँगा. यू नो योर फेवरेट प्लेस टू ईट? आई एम अ बिग फूडी. मेरे को तो मैं जैसे आपको बताया ना कि आई बीन टू ऑलमोस्ट लाइक 20-25 कंट्रीज, तो सबसे पहला मेरा फोकस जो होता है उन कंट्रीज़ में वो ये होता है कि व्हाट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ दिस कंट्री, यहाँ आपका सबसे बढ़िया खाना क्या है. Correct. या यहाँ ऐसी क्या स्पेशल खाने को मिलती है कि मैं जो इंडिया में नहीं मिलती. तो और वैसे भी मैं बहुत बड़ा फूडी हूँ, तो मैं हमेशा पूरी दुनिया के कुजीन्स ट्राई करता रहता हूँ. करते रहते हैं मतलब ऐसे कोई पर्टिकुलर जगह नहीं. ओके. व्हाट एज यू वांट टू रिटायर? नहीं मैं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं रिटायर ही नहीं होना चाहता. मैं चाहता हूँ कि मैं जब स्टार्ट किया था तब स्कूल के रोल्स किए मैंने, कॉलेज के रोल्स किए, फिर अब मैं शादीशुदा भी रोल करता हूँ, अब मैंने अपना लुक चेंज कर दिया है. राइट. ये भी लुक अच्छा, इसका भी एक ऐसा हुआ कि ये सॉल्ट एंड पेपर लुक जो है ये कोरोना की देन है. तो ये लुक तब डिस्कवर किया कि जब शूटिंग बंद हो गई थी एंड आई हैड स्टॉप्ड कलरिंग माय हेयर. मैंने कहा कि खामखा क्यों केमिकल डाले जाएं. एब्सोल्युटली. तो एक ये नया जो कलर निकल के आया एक नेचुरल सॉल्ट एंड पेपर. राइट. शुरू में जब तक ये आता है ना तो बहुत ही भद्दे लगते हैं बिकॉज ऊपर ब्राउन कलर रह जाता है, नीचे से सॉल्ट एंड पेपर आ रहा है, तो बड़ा अजीब सा वो. Absolutely. 3-4 महीने बड़े अजीब से निकले मेरे. अच्छा. जहाँ मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग करता रहा और अपने आप को बोलता रहा कि नहीं 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 आई थिंक इट्स गोइंग टू लुक नाइस, लेट्स वेट एंड सी द फाइनल रिजल्ट. एब्सोल्युटली. तो माई वाइफ सेड जब वो हो गया सब कुछ तो माई वाइफ सेड दिस लुक इज लुकिंग द बेस्ट ऑन यू, आई फील यू शुड कंटिन्यू विद दिस लुक. Absolutely. और वो लुक रखने के बाद से आज मैं 5 वेब सीरीज कर रहा हूँ. 5 वेब सीरीज कर रहे हो? वाओ. कर रहा हूँ. एंड लास्टली आप अपने फैन को कुछ कहना चाहेंगे थ्रू बाय आर इंटरव्यू? फैन से मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आज तक आप मुझे प्यार देते आए हैं, आपने मुझे अपनी दुआओं में याद रखा है, टेलीविजन पे बहुत प्यार दिया आपने मुझे, अब फाइनली आई हैव स्विच्ड फ्रॉम टेलीविजन टू वेब सीरीज और ऊपर वाले दिखे कि दया से 5 वेब सीरीज कर रहा हूँ मैं. तो इन किरदार को भी आप पसंद कीजिए, प्यार दीजिए और अप्रिशिएट कीजिए और अपनी दुआओं में याद रखिए. थैंक यू सो मच रोहित. होप यू लाइक द जर्नी ऑफ रोहित खुराना. और अगर आपको पसंद आई और आपको लगता है कि ये स्टोरी वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग, तो प्लीज़ एंड प्लीज़ इसको
लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल।